हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द संडे का फंडा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस संडे के फंडे में चर्चा करेंगे कि मटेरियल के हिसाब से चिप कौन से टाइप की निकलती है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि चिप जो होती है तीन तरीके की होती है। एक होती है कंटिन्यूअस चिप, एक होती है डिसकंटिन्यूअस चिप और एक होती है सीरेटेड चिप। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डियर स्टूडेंट्स अभी दिखाने जा रहा हूँ जो कि डक्टाइल मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है, मटेरियल है आपका ब्रास की जो माना जाता है ब्रिटल मटेरियल या फिर हार्ड मटेरियल। सो देखते हैं यहाँ पे जो ब्रास जब आप मशीन करते हो तो उसको कैसे मशीन होता है और चिप कैसे निकलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लो। जैसा कि आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, देखो ये डिसकंटिन्यूअस चिप निकाल रहा है। ये जो चिप है ये डिसकंटिन्यूअस चिप निकाल रहा है ब्रास का ये मशीनिंग शॉप। जैसा कि आपने देखा कि ब्रास से जो निकलने वाली चिप है ये डिसकंटिन्यूअस चिप है। और एक यहाँ पे मैं आपको चिप की दिखा दूं प्यारे बच्चों कि जो माइल स्टील जो कि डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल जब कट करते हैं तो भैया हमको कंटिन्यूअस चिप मिलती है। देखो ये मैं एमएस की जो चिप है ये आपके सामने है, ये देखो। सो दीज आर ऑल कंटिन्यूअस चिप्स, ये सब कंटिन्यूअस चिप दिखाई दे। सो बेसिक जो डिफरेंस है देखो आपके डिसकंटिन्यूअस चिप और कंटिन्यूअस चिप में फर्क इतना है कि आपको फेवरेबल कौन सी चिप है। ओके, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे बोर्ड के ऊपर, टाइप्स ऑफ चिप्स और कौन सी चिप हमको फेवरेबल हो सकती है। लेट अस मूव ऑन टू द बोर्ड। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द बायजूस एग्जाम प्रेप। और आज का ये संडे का फंडा रिलेटेड टू द चिप, कौन सी प्रोड्यूस होती है कौन से मटेरियल के मशीनिंग के दौरान। जैसा कि मैंने आपको शॉप फ्लोर पे दिखाया कि ब्रास की कैसी डिसकंटिन्यूअस चिप पैदा हो रही थी। सो थोड़ा बहुत अभी बोर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे कि भैया कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी एक्चुअली कंडीशंस में कंटिन्यूअस चिप बनती है, कौन से कंडीशंस में डिसकंटिन्यूअस चिप बनती है। और जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि भैया हमको फेवरेबल हमारे लिए कौन सी चिप है, इसके रिलेटेड करेंगे चर्चा। सो शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। 9th of July से क्वेश्चंस का बवंडर लेके आ रहे हैं आपके लिए, दी प्रैक्टिस सीरीज ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट, जहां पे करेंगे बहुत ही बढ़िया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे करेंगे तैयारी, वो भी कंसेप्ट्स के साथ। सो भैया ये 9 जुलाई से चालू हो रही है तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, मैकेनिकल एंड सिविल ओनली ऑन आवर बायजूस गेटी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और कौन कौन ले रहा है भैया, सो ऑफ कोर्स दिस इज आवर टीम मैकेनिकल से, भैया मैं सोनू सर और हरवीर सिंह रहेंगे, सिविल से रिचा मैम, अभिनव सर एंड जोशी सर इज गोइंग टू टेक द सीरीज। सो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सो जैसे देखो हम बात करें, जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहां पे देखो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन क्या होता है। मैकेनिज्म भैया हमने बहुत ही शुरुआत जो करते हैं टॉपिक की मेटल कटिंग की, उसमें पहली चीज यही सीखते हैं कि भैया चिप फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो यहां पे देखो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है भैया देखो ये चिप है, ये चिप का रीजन है, ये टूल है जो बहुत ही फेमस डायग्राम हमको पता है, और ये अगर देखोगे तो भैया ये वर्कपीस है। ओके, सो मैकेनिज्म अगर बात करते तो मैकेनिज्म उनको सबको पता है कि मैकेनिज्म क्या होता है भैया, ये एक प्राइमरी शियर जोन जहां पे ह्यूज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कनेक्ट कर रहा है ये टिप जो है टूल का ऑन दिस मटेरियल, और मटेरियल जो है टिप के सामने वाला इट इज अंडरगोइंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और भैया वहां पे स्ट्रेसेस ऐसे इंड्यूस हो रहे कि इट इज मोर देन द इंड्यूस्ड स्ट्रेस, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है इस पर्टिकुलर जोन में दिस इज मोर देन द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। और भैया यहां पे क्या हो रहा है, फिर यहां पे जो है शियर हो रहा है, क्रैक प्रोड्यूस हो रहा है, और वही क्रैक भैया कहां पे आते आते वर्क सरफेस पे आते आते भैया क्या हो रहा है, टीयरिंग हो रहा है, राइट। सो भैया
हमको पता है अगर हमने मैकेनिज्म ऑफ ट्री फॉर्मेशन देखा तो क्या है, ये सबसे पहले होता है शियरिंग एंड उसके बाद ये जो क्रैक होता है दैट इज नथिंग बट द एनर्जी प्रोपोगेटिंग वेव जो क्या होती है प्रोपोगेट होती है और जब वो सरफेस पे रीच होती है तो भैया क्या हो जाते हैं ये जो रीजन है विच वी कॉल इट एज ए चिप ये आपके वर्कपीस से क्या हो रहा है सेपरेट आउट। तो भैया ये बेसिक मैकेनिज्म है चिप फॉर्मेशन का जो आप जानते हो। ओके सो यहां पे आप बात करेंगे कि भैया कौन सी चिप, ये देखो जरा थोड़ा सा आप इस पर्टिकुलर जीआईएफ को देखो कैसे हो रहा है, ये देखो ये चिप है। ओके ये चिप है, ये मटेरियल कटिंग हो रहा है, दिस इज द कटिंग वेलोसिटी और ये जो चिप आपको दिखाई दे रही है राइट इट इज मूविंग ऑन, कहां पे मूव हो रही है ये रेक फेस है, ये क्या है रेक फेस, ये रेक फेस है, ये रेक फेस है, रेक फेस के ऊपर ये चिप जो है एन नंबर ऑफ शियर प्लेन जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते होते क्या हो रही है चिप यहां पे बन रही है। और एक चीज आपको पता है कि जो बनी हुई चिप होती है इट इज थिकर दैन जो अनडिफॉर्म चिप अभी वर्कपीस के अंदर है उससे ये जो बनी हुई चिप है कट चिप है वो थिकर होती है या फिर थिकनेस उसकी ज्यादा होती है। ओके नेक्स्ट सो यस कि टाइप्स ऑफ चिप भैया कौन से हमारे पास, हम अगर टाइप्स ऑफ चिप की बात करें तो मैं बेसिक बात करूंगा कि हमारे पास भैया एक तो है सबसे पहली डिसकंटिन्यूअस चिप होती है, डिसकंटिन्यूअस चिप है हमारे पास और दूसरी भैया कंटिन्यूअस चिप हमारे पास और तीसरा एक कैटेगरी है लेकिन इसमें हम जाना नहीं चाहते थे जैसे सीरेटेड चिप जिसमें टूथ आपको दिखाई देंगे टीथ दिखाई देंगे लाइक दिस सीरेटेड चिप। ओके सो बेसिकली हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस चिप एंड कंटिन्यूअस के चिप रिलेटेड। सो भैया डिसकंटिन्यूअस चिप जब भी हम बात करते हैं जब मटेरियल आपका कैसा हो, मटेरियल आपका क्या हो भैया हार्ड हो ब्रिटल हो, ब्रिटल मटेरियल आपको जनरली देती है कौन सी चिप डिसकंटिन्यूअस चिप। जैसे कि देखो यहां पे मैं चिप लेके आया हूं, मैंने आपको दिखाया अभी ब्रास का कटिंग के दौरान। सो ये जो चिप यहां पे दिख रही है आपको सी हियर ये जो चिप दिख रही है दिस इज अ चिप जो कास्टाइड को कट करके यहां पे अच्छी तरीके से देख लो, ये देखो ये जो चिप है ये कास्टाइड, कास्टाइड एक ब्रिटल मटेरियल है। ओके सो कास्टाइड के कटिंग के दौरान आपको ये डिसकंटिन्यूअस चिप मिलती है। ओके इवन आप एग्जाम्पल ले लो ब्रासेस का, सो ये देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था वीडियो में, सो ये डिसकंटिन्यूअस चिप है ब्रास की। ओके कि जो ब्रिटल मटेरियल से हार्ड मटेरियल से भैया उनकी जो चिप बनती है कटिंग के दौरान वो बेसिकली कैसी होती है, बेसिकली वो होती है डिसकंटिन्यूअस चिप। ओके अब अगर डिसकंटिन्यूअस चीज चिप को अगर फेवरेबल चीज हम क्या क्या इसके लिए बात करें डिसकंटिन्यूअस चिप के लिए भैया क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए अगर हमने बात करें तो उसके लिए सबसे पहले तो मटेरियल कैसा होना चाहिए भैया, यह होता है ब्रिटल मटेरियल, मटेरियल कैसा है ब्रिटल। ओके उसके बाद अगर बात करें तो अगर हम कटिंग के दौरान लो कटिंग स्पीड रखें कैसा लो कटिंग स्पीड, तो क्या होता है जब भी ये चिप बनती है ऑफकोर्स ये जो चिप बनती है भैया तो अगर लो कटिंग स्पीड से आप काम करोगे यूज करोगे लो कटिंग स्पीड तो क्या होता है इस चिप को कर्ल होने के लिए बहुत टाइम मिलता है। ओके कर्लिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, अगर लो कटिंग स्पीड से आओगे तो आप कर्लिंग ज्यादा मिलेगा, कर्लिंग ज्यादा मिलेगा मतलब ये जो चिप है बहुत ही कम रेडियस में क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी और ये जितनी ज्यादा बेंड होगी भैया उसके उस चिप के अंदर जो क्रैक से वॉइड से क्योंकि चिप कोई कंटिन्यूअस मटेरियल है नहीं तो ये क्या हो जाएंगे और एक्सपांड और बड़े हो जाएंगे और जो चिप जो है भैया क्या हो जाएगी बेंड ब्रेक हो जाएगी ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूअस चिप बन जाएगी मतलब लो कटिंग स्पीड यस इट इज गोइंग टू कॉज द डिसकंटिन्यूअस चिप। उसके बाद अगर मैं बोल दू कि रेक एंगल भैया मैंने क्या किया कम यूज किया, रेक एंगल भैया कम यूज किया। ओके लो रेक एंगल्स
लो रेक एंगल्स। तो उससे क्या होता है बेसिकली, जितना आप लो रेक एंगल रखोगे भैया, जितना आप लो रेक एंगल रखोगे, आपको पता है कटिंग फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कटिंग फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं जितना आप रेक एंगल कम रखोगे तब। ओके, और जितना कटिंग फोर्स इंक्रीज होगा भैया, उतना ये जो फोर्स ड्यूरिंग दिस कटिंग किसके ऊपर एक्ट होगा, अगर चिप के ऊपर एक्ट होगा तो इस फोर्स की वजह से क्या होगी, चिप भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओके, ज्यादा फोर्सेस होंगे तो भी भैया क्या हो जाएगा, चिप ब्रेक होने में मदद होगी। उसका सेम एक रिजल्ट, अगर मैं अनकट चिप थिकनेस या फिर डेप्थ ऑफ कट अगर ज्यादा रखू तो भी क्या होता है भैया, ये डेप्थ ऑफ कट अगर बोलू मैं या अनकट चिप थिकनेस मैंने यहाँ पे ज्यादा ली, तो यहाँ पे होता क्या है, इस टूल के टिप के सामने ऑफकोर्स दिस वॉल्यूम जो उसको रिमूव करनी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो भैया एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से जो चिप जो है ब्रेक हो जाएगी, हमको डिसकंटिन्यूअस चिप मिलेगी। इवन आपने कूलेंट का इस्तेमाल भी किया ना तो भैया क्या होता है, जनरली शुरुआत में चिप क्या है, हॉट है। ओके, जैसे कूलेंट उसके ऊपर आ जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, मतलब जो भी एक्सपांशन से कहां पे जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन में जाएगी चिप, और वहां पे उसके दौरान भी क्या हो सकता है, ये जो चिप के अंदर जो क्रैक्स है वॉइड्स है वो क्या हो सकते हैं, और ज्यादा एक्सपांड हो सकते हैं और हमको डिसकंटिन्यू चिप मिल सकती है। ओके, तो ये एक्चुअली कुछ फेवरेबल कंडीशंस मैंने आपको बताई किसके लिए, डिसकंटिन्यू चिप के लिए। नेक्स्ट जो है भैया, नेक्स्ट जो है ये रखो, डिसकंटिन्यू चिप देखो कैसे पैदा हो रही है, ऑलरेडी हमने ब्रास के बारे में बात की, मैंने आपको दिखा था वीडियो, ये देखो। ओके, सो ये डायरेक्टली जैसे कटिंग एक्शन हो रहा है मेटल कटिंग के बाहर, ये जो चिप से निकल के आ रही है, ओके, इट इज अ डिसकंटिन्यू चिप, ये ब्रास है, ओके, इसका मशीन चल, ओके, देख लो। अब इसके बाद जो बात करेंगे, अगर मैंने कंटिन्यूअस चिप के बारे में बात की, कंटिन्यूअस चिप, तो भैया सबसे पहले तो ये दो तरीके की होती है, एक कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज और दूसरा दिस कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्टअप। ओके, सो कंटिन्यूअस चिप दो प्रकार की होती है, इसमें क्या होता है, बिल्टअप एज है या नहीं। देखो ये रेक फेस है और रेक फेस के ऊपर भैया जब भी कभी आप मेटल कटिंग करते हो, जब चिप इसके ऊपर से जा रही है तो चिप के साथ साथ कुछ माइक्रो चिप्स, मिनी चिप्स, सम पाउडरस चिप, ओके, इसके ऊपर से गुजर रही है, और बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर इन दिस मेटल कटिंग जोन, ये जो चिप्स होती है, माइक्रो चिप्स, मिनी चिप्स, ये क्या हो जाती है, रेक फेस के ऊपर क्या हो जाती है, अडेयर हो जाती है, वेल्ड हो जाती है, और हमको फिर क्या मिलती है, ऐसी बिल्टअप एज, ये जो दिखाई दे रहा है ये बिल्टअप एज है। कभी कभी फेवरेबल हो सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती, इसमें इसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम देखेंगे कि भैया दो इसके टाइप्स या फिर क्लास बन रहे कंटिन्यूअस चिप के, कि एक विदाउट बिल्टअप एज और दूसरा कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज। अब यहां पे कैसे देखेंगे भैया, देखो ओके, सबसे पहले अगर मैं कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ड अप एज की बात, ओके, सो यहां पे कंटिन्यूअस चिप देखो, यहां पे मैं लेके आया हूं दिखाने के लिए आपको, ये क्या है भैया, कंटिन्यूअस चिप, देखो ये चिप कंटिन्यूअस चिप है, राइट। सो बेसिकली जब भी हम डक्टाइल मटेरियल को या सॉफ्ट मटेरियल को मशीन करते हैं, डक्टाइल मटेरियल, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप मटेरियल कैसा होना चाहिए, डक्टाइल, ओके। दूसरा क्या बोल सकते हो भैया, जितना आप रेक एंगल ज्यादा रखोगे, जितना आप रेक एंगल ज्यादा रखोगे उतना क्या होगा, कटिंग आसान होगा, कटिंग के फोर्सेस कम होंगे, कटिंग के फोर्सेस कम होंगे तो टेम्परेचर मेटल कटिंग जोन में जो इंड्यूस हो रहा है वो कम होगा,
और वहां पे आपको कोई भी माइक्रोचिप्स जो होगी वो रेक सरफेस के ऊपर जनरली अढ़ेर नहीं होगी। मतलब ये क्या बोल सकता हूं, रेक एंगल जो रखना है आपको ज्यादा रखना है। तीसरा, अगर मैं डेप्थ ऑफ कट या फिर जिसे अनकट चिप थिकनेस बोलता हूं अगर मैं कम रखता हूं तो क्या हो जाएगा, जब डेप्थ ऑफ कट में अगर कम रखूं तो क्या हो जाएगा कि जो टिप के सामने जो वॉल्यूम आपको रिमूव करनी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होगी मतलब यहाँ पे फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फोर्सेस कम हो जाएंगे तो भैया टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर इंड्यूस नहीं होगा। सो ऑफकोर्स आपको कोई भी बिल्डअप पेज वहां पे मिलेगी नहीं, क्योंकि माइक्रो चिप्स को अडेर होने के लिए इतना टेम्परेचर वहां पे है। दैट इज यहां पे लिख सकता हूं, यस ये मैंने लिख दिया। और इसके साथ साथ मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर कूलेंट का इस्तेमाल मैंने कर दिया तो भैया डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा रेज होने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो यहां पे आपको डक्टाइल मटेरियल में विदाउट बिल्टअप एज अगर चिप चाहिए तो ये कुछ कंडीशन आपको रिक्वायर्ड है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगर दूसरा जो मेरा चिप है कौन सा है, दैट इज अ कंटिन्यूअस चिप, विथ द बिल्टअप एज तो भैया इस पर्टिकुलर चिप में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ऐसी चिप पाने के लिए देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग अडहेजन। अडहेजन मतलब द बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। किसमें किसमें स्ट्रॉन्ग अडहेजन बिटवीन कौन कौन भैया है, चिप और आपका टूल मटेरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे पहली कंडीशन है। अगर स्ट्रॉन्ग अडेशन है तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे वेल्डिंग जो अडेरिंग जो अच्छी तरीके से होगा और चिप बिल्टअप एज के साथ वहां पे बनने में मदद होगी। तो कंटिन्यूअस चिप विद द बिल्टअप एज, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा कंडीशन बोलो आप फिर से, आप रेक एंगल कम रख रहे हो मतलब फोर्सेज ज्यादा जा रहे हैं, फोर्सेज ज्यादा इंड्यूस होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा इंड्यूस होगा और भैया माइक्रो चिप्स का अडेरिंग क्या होगा, आसानी से होगा। तीसरा, मैंने अनकट चिप थिकनेस या फिर डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रखी, ऑफकोर्स ये मटेरियल की वॉल्यूम निकालने के लिए फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा टेम्परेचर ज्यादा इंड्यूस होगा, फिर से क्या करेंगे वहां पे बिल्टअप एज पैदा होंगे। और फाइनली मैं बोलूं, आपने कूलेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया तो डेफिनेटली वैसे तो मेटल कटिंग जोन का टेम्परेचर तो राइज होगा ही, विच विल हेल्प टू कॉज दिस बिल्टअप एज। ओके, सो दोस्तों ये कुछ हमने बात की थी चिप्स के रिलेटेड, कंटिन्यूस चिप कैसे पैदा होती है, कौन से मटेरियल के साथ पैदा होती है, कौन से कंडीशन के साथ होती है, इसके टाइप क्या है, बिल्टअप एज क्या है, और सबसे पहले जो देखा था शुरुआत में डिसकंटिन्यूस चिप विथ, जो चिप मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाई थी, कंटिन्यूस चिप डिसकंटिन्यूस चिप ब्रास के एंड कास्ट आयरन की। सो ये है भैया बेसिक टाइप्स ऑफ द चिप्स ड्यूरिंग दिस मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो भैया यस प्लीज डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायजूस गेटिस इन यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक संडे के फंडे में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।